मेरे पास में जो अभी अपडेट्स आए हुए हैं वो नोएडा लोकेशन में जॉब्स के अपडेट आए हुए हैं, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बहुत सारे लोग नोएडा में सर्च करते हैं। ये जो कंपनी होने वाला है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ पे जो कंपनी है मोबाइल कंपनी में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ जो पोजीशंस है, इनफैक्ट पोजीशंस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और राइट नाउ 25,000 रुपीज़ तक सैलरी के अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं एक बात बताता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि अगर नोएडा में सेटलमेंट होना चाहते हो और 25,000 रुपीज़ अर्निंग पोटेंशियल दिखता है, दैट्स मीन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। राइट नाउ मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, बट मैं वैसे इंसान का शेयर करता हूँ जो 100% रिस्पॉन्सिबल हो। ये जो प्रोजेक्ट आता है ये मुझे तकरीबन 5 साल से, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ और 5 साल से ये सर मेरे साथ में कॉन्टेक्ट किए हुए हैं, कॉनेक्ट किए हुए हैं, और डेफिनेटली से हज़ारों लोगों को ये जॉब प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ क्लियरेंस कर दूँ कि अगर आपको भी काम चाहिए, 100% जेन्युइनली काम चाहिए, तो आप लोग एक काम ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे फ्री जॉब्स के इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। और वीडियो पे नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, इग्नोर करते, बट आप लोग देख रहे हो ना, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोग जो होते हैं इतना नज़दीक है नोएडा लोकेशन, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचिए कि क्या आपका उस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी भी मैच होता है या नहीं होता है। डेफिनेटली से, बिकॉज एलिजिबिलिटी नाम की चीज़ होती है, राइट नाउ वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग अनएलिजिबल होने के बाद भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे करना है। मेक श्योर करना तो आपको है, लेकिन क्या आपका एलिजिबिलिटी मैच होता है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल मैच होता है? अगर नहीं होता तो आप लोग कन्वीनियंस भी मत करो। ये सही नहीं होता कि हाँ एलिजिबिलिटी मैच नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच नहीं है, और कॉल पे कॉल करना स्टार्ट कर दिए, मैसेज पे मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, ये तो गलत प्रोसेस होता है ना। चलिए, हालांकि इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं, उसके बाद में अगर आप लोग एलिजिबल होंगे मेक श्योर डेफिनेटली आप अप्लाई भी करेंगे और आपको काम भी 100% मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास में अभी जो जॉब आए हुए, जॉब लोकेशन है नोएडा, पोस्ट है मोबाइल टेक्नीशियन या रिपेयर। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि मोबाइल टेक्नीशियन चाहिए और रिपेयरिंग के लिए लड़के लोग चाहिए। जॉब लोकेशन इसका नोएडा है, जॉब प्रोफाइल है मोबाइल टेक्नीशियन रिपेयर, एज जो है इसमें 18 से 35 साल है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है, बिलो 18 एंड अबोव 35 ईयर्स कैंडिडेट डेफिनेटली नॉट एलिजिबल, बिकॉज जो एज का जो बाउंडेशन दिया गया 18 से लेकर के 35 साल उसी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज का क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे कंपनी का क्राइटेरिया है कि एज जो होना चाहिए 18 से 35 साल है, सैलरी फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट, इनफैक्ट जो काम नहीं जानते और जो फ्रेशर्स है जिनको काम का बहुत ही कम नॉलेज है, उनका जो सैलरी रहेगा 15 से 18 हज़ार प्लस 1500 रुपये नाइट अलाउंसेस। देखो यहाँ पे सीखने के चांसेस इसलिए बनेंगे क्योंकि आप एक फ्रेशर्स कैंडिडेट हो, और फ्रेशर्स के लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते, बहुत जगह पे फ्रेशर्स कैंडिडेट को लिए ही नहीं जाते क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता, वो लर्निंग्स नहीं किया, सीखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज अच्छा है। और सैलरी फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिनिमम 2 to 3 years एक्सपीरियंस, दैट्स मीन सैलरी 20 to 25,000 प्लस ESIC प्लस PF प्लस 1500 रुपीज़ नाइट अलाउंसेस। नोट में जिनके पास मोबाइल रिपेयर करने का अनुभव हो या ट्रेनिंग लिए है वही लोग ये जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मान लिया कि कोई ऐसा लोग है जो सिर्फ ट्रेनिंग लिया है और उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी उसके पार्ट्स के नॉलेज है, उसके सारा कुछ का नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि ये पार्ट्स का नाम क्या है, वो पार्ट्स का नाम क्या है, तो आपको मैक्सिमम 2 से 4 दिन का ट्रेनिंग वहाँ पे मिलेगा कि काम कैसे होता है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन जो साफ फ्रेशर्स है, जो 10th पास किए हैं 12th पास किए हैं ग्रेजुएशन है, वो वॉच कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अप्लाई करेंगे और उनको कॉल आएगा। तो यही बात है, तो एलिजिबिलिटी जो होता है मेन ऑफ देखा गया है एजुकेशन और दूसरा एक्सपीरियंस, अनुभव। तो अगर आपका एक्सपीरियंस मैच होता है मेक श्योर डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शंस में मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है वो फिल कर दीजिए, क्योंकि जो एलिजिबल होंगे उनके पास में डेफिनेटली से कॉल आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।